السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بارك على محمد. كما صليت. بارك على محمد وعلى آل محمد. رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وابعث مقاما محمودا الذي بعده. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. واجب اور احترام سامعین کرام، قرآن مجید نے مختلف مقامات پہ اس بات نوں وضاحت نال بیان فرمایا کہ دنیا اللہ تعالیٰ دے ہوندے ہویا دوسرے نوں پوجن کیوں لگ پئی. اللہ تعالیٰ دی موجودگی وچ شرک جڑا ہے کس طرح شروع ہویا، وہ ایہدی نشاندہی اللہ پاک نے کیتی ہے. اس مقام تے بھی سورہ حج دی آیت ہے، اگے سورہ زمر جی فرمایا وما قدر اللہ حق قدر. خرابی اتھوں ہوندی ہے بے اللہ تعالیٰ دی جڑی شان پہچاننی چاہیے سی وہ بندے پہچان نہیں سکے. انہوں نے لایا بھی وہ کوئی عام حکمران ہے، چلو زیادہ طاقتور ہوگا کہ جتنا حکمران اپنے نال بڑے معاون اور مددگار رکھتا ہے، بھی گورنر ہوندے یا کمشنر ہوندے، یہ ہوئی قیاس کر کے اور اسے مثال پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے سمجھا بھی ایڈا وڈا جہان جڑا انہوں چلاؤن لی اللہ نے بھی یہو جہ بندوبست کیتا ہے، وہ کلا نہیں انہوں چلا رہا. اللہ نہ جان سکے جس طرح جانن دا حق سی،
इस पर इन्होंने एक जर्रे सूरज के बराबर करता, किथे सूरज किथे एक जर्रा, वो बंदियां चुके वो मुकाबले जड़ा प्या वली आ नबी आ इनू पूजो इन्हों को मादा मंगो इन्हों दादा दो गलती खा बहुत बड़ी गलती खाधी। अल्लाह की अजमत अल्लाह की शान जिस तरह पहचानी चाहिए थी वह नहीं पहचान सकी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरह फरमाया अब तुम कतरे को समुद्र के बराबर करते फिर शर्म करो, समुंदर इधर कतरा और ये मैं जरा जर्रा आफताब कह रहा समुंदर से कतरा भी कुफर बक रहा। अल्लाह के मुकाबले नबी वली इन्हें नहीं, खुदा की कसम जो अल्लाह होंदा ना कोई नहीं है ही नहीं, जर्रा भी है आफताब के मुका है ये जो उन्हें चाहे और बनया इन्हों का वजूद का मुहताज है, बन ही नहीं सकते जो ना चाहे और एक कायम नहीं रह सकते अगर वो मर्जी ना हो, हूने चाहे फना कर दे। अल्लाह ने एक मौका दे जरा अल्लाह फरमाया कि तुम ईसा इब्ने मरियम खुदा बनाते फिर दे, अल्लाह अगर चाहे तो ईसा और मां और सारे ध्यान हलाक कर दे, कौन वह हथ रोक सकता, कोई हया करो तुम खुदा ना मुकाबला शुरू करता वो मुकाबले बिस्तरे बिल्कुल जमें वह वजूद आंदा ना ला मौजूद है अल्लाह मैं रब के मुकाबले पलड़े कुछ ना पाओ भी कोई है नहीं गे सुल्तान इज्जत अलम बरकसद जहां सर बजैब अजम दरकसद। आपस मुकाबला करो तो कहो उम्मती के मुकाबले नबी बहुत आला, इन्ना आला वे समान जमीन के फर्क ना ज्यादा, ये मखलूक का आपस तफावत है मगर रब ना मुकाबला, रब के मुकाबले दूजे पलड़े की पाना वह हुक्म है तो बनते और जदों इरादा हो जाता फना हो जाता। फरमाया साधी फरमाते तू सुल्तान इज्जत अलम बरकसद जदों बादशाह कायनात अपना झंडा लहरा जहां सर बजैब आदम दरक उस सारी दुनिया फरिश्ते नबी वली जड़े आदम च फना लगे तौबा असी है नहीं हूँ नहीं असी दम मार सकते मगर जाहिल खुदा नूं ना पहचान सके इन्हें समझा भी वह भी कोई चौधरी है व्डा तो नाल होर कई यार सजने इन्हों राजी रखिया बगैर कि कम चला सकते। इस तो कोई आंदा बे महबूब ने अल्लाह नूं मना रहना वो अल्लाह की मुहब्बत यहो जी है जी मेरी थोड़ी किसी ना होंगी भी मैं ना यार ये सज्जन नाराज हो गया तो मेरा बड़ा दिल कुड़ना है मेरा की बनूंगा इदा की मुहब्बत खुदा दी समझी बैठे अल्लाह मोहताज है ना दोस्तों का ये आम मोहताज है सारे ओदे कोई मोहताज नहीं। इस तो अल्लाह के मुकाबले चला पागुर मैं माँ कदर उल्ला हक्का कदरे परे मानसो रब की गल कर तो पहला समझते लो बेला की है जी कोई हद नहीं महदूद नहीं बिल्कुल ला महदूद कोई ऐसी हद नहीं आनी जिथे तुम कहो भी अला इतने बस हो गया वह गैर महदूद है ये जिन्ना मर्जी इन्होंने तुम अल्लाह दाना दतिया बयान कर लो महदूद है अल्लाह ना इनका मुकाबला ना करो। अल्लाह फरमाता कि लोग चूंकि अल्लाह नहीं जान सके इस तरह दिन मिसाल देंदे कोठे से चढ़ना हो पौड़ी अल्लाह पुठा कोई हया करो अल्लाह उसे छाते चढ़ के बैठा भी थोड़े नेड़े नहीं भी पौड़ी वारते फिर शाह रख तो नेड़े है और थोड़े दिलों के बस उसे जानता किस बजुर्ग ने जाके उन्होंने नवी इतरा देनी कोई खुदा का खाओ करो कि नवी खबर है जी अल्लाह को नहीं तो जाके दसूगा भी हजूर आ इस तरह का एक आज दे तो कोई गल है ना वो डीसियां एसपियां को तो जानते अर्दली या उन्होंने मता है कि वह बेचारे अंदर बैठे कोई नहीं जानते भी लोगों का की बन रही है अल्लाह यहो जहा जर्रे जर्रे जा और मेहरबान और आका मैं दूसरे पासे ना निकल जावा इस ऐत तो सिर्फ एक टुकड़ा जरा कुरान 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 की मिसल कोई नहीं मा कदर उल्लाह का कदरे ए मुशरक अल्लाह ना दूजा मिलाने वाले अल्लाह नहीं जान सके जिस तरह जानना चाहिए ये जरा अंदाजा खुदा का लाई बैठे खुदा की अजमत वह जलाल और शान तो बहुत परे तुम जो समझा अल्लाह है तो बहुत दूर है अगला अल्लाह अगे की बात कही है अब बच्चे सुनते रहेंगे मैं लाजिक कुरान भी मंत्र इस तो अल कुरान अल हकीम हिकमत ना पढ़िया कोई गल धक्के नहीं मिलता इन अल्लाह लकवी नजी ना इन लैके आलम सारी उम्र बयान कर देना शिरक की गुंजाइश क्ढन हक फरमाया अल्लाह लकवी उन आप हर तरह की ताकत रखता केड़ी ताकत नहीं वो जिस पारों मुहताज हो गया मैं ना दूजे मदद कराने से जहान संभालना वह कवि नहीं दसो अगर वह कवि नहीं खुदा कमजोर है उन्होंने खुदा क्यों मन दे उन्होंने अल्लाह ना मनो तो कोई मन कर जाए अल्लाह तो है ही वो जी कुवत का कोई अंदाजा नहीं कोई बात जी ना नामुमकिन नहीं जरा कुछ कर सकता तो कुछ नहीं कर सकता उन्होंने अल्लाह कौन कहता इस तो अपने दिमाग से दुरुस्त करो अल्लाह के बारे पहला फैसला करो कि कवि है कि नहीं कवि वो जरा हर किस्म की ताकत है और दूजे पासे ताकत होवे
मगर कुछ दूजा मुकाबले खड़ा हो जाए, मैं नहीं ये काम आना, वो इन्ना ताकतवर निकले उन्होंने बेबस कर दे, वो फिर अजीज नहीं हो सके, वो गाले बना रहा अंडर प्रेशर आ गया, दूजे ने दबा लिया उन्होंने, भावें मुहब्बत ना दबा लिया मैं रुस जाना ही जे मेरा काम ना किया, तो भावें उन कोई हमायती से यार से टोले का बंदा से उन्हें आख्या मेरे ना बिगाड़ लेना तेरा जत्था खराब हो जाऊ। अल्लाह ने फरमाया जालमो और मुशरको और बेदीनो मेरी तौहीन करने वाले हो कि मैं जहाना का मार गया तो मेरी मिट्टी पलीत कर दें, मेरे बंदियां नु चुक के मेरे मुकाबले खड़ा कर देंगे। इन अल्लाह लकवी उन्हों की अल्लाह कवी है, जो चाहे खुद कर सकता उन्हें तुझे को की मदद लेनी, जो दुनिया बनाई है सारे मुशरक मनते भावे अरब के दूजे बे बना किसी का हिस्सा नहीं, जो बनाया उदो को नाल हैगा। अल्लाह कुरान से बार बार आता भी चप्पा पर जमीन की निशानदेही करो जी मेरे तो सवा किसी ने बनाई, आसमान का कोई टुकड़ा दसो जरा किसी ने बनाया, कोई हया करो बना मैं कला रहा बाद मैं थक गया मसाला मिलू मैनू थकावट हो गई मेरे को हम चलाया नहीं जाता तो मैं उन्होंने देता बुजुर्ग ने तो उन्होंने देता, खुदा का खौफ करो डरो इन अल्लाह कवी, अल्लाह कवी है तो नाल अजीज भी है, उन्होंने कोई दबा नहीं सकता, जो चाहना ना उन्हें वो अगे कोई मुजाहिम नहीं हो सकता, कोई अगे आखे ना मैं रोड़ा अटका दिया नहीं हो सकता, जेड़ा नफा उन्हें पहुँचा चाहना इम सस कला बुजुर्ग नफरा का शिफा ला इला जे उन्हें दुख देना चाहना ना तो उस तकलीफ में हटा कोई नहीं सकता सिवाय वाली, और ये अल्लाह पाक ने चुनिया भी उन्होंने जिसे बारे च मुकालता लग सकता सी यार अल्लाह के एडे प्यारे पैगंबर आ मोजे भी इन्हों को होंगे वाकई सच्ची गल तो तुम सुन चुके बेस उम्मत भी अल्लाह तारा ने नेक बंद मोजे भी दिते उन्होंने असं करामत कह देने कलाम भी अल्लाह करता उन्होंने मुहद्दस किया, मगर इतों भुल जाते हैं बे जर्रे चुके आफ्ताब बनाते समुद्र के मुकाबले कतरा लै आते इन्हों रखो जिते है अल्लाह की दिखाई शाना मगर खुदा ना बनाने की कोशिश करो खुदा खा ले पा अदा वरमाया जी तकलीफ मैं देना चाहवा रोक नहीं सकता वही युरद का बखैर फला रात दाले फजले तो मैं फायदा पहुँचा चाहवा दुनिया जहान कव चाहे भी नहीं होना चाहिए नहीं हो सकता मैं अजीज ना होया तो गालिब ना होया मैंने तो ही बेबस समझा। इस पारों पिछले खुतबात तो कई दोस्तों का सी भी कितने जेहन जोड़े गैर मुतबादर ना हो जाए डोल ना जा दसिया कि जो आले इब्राहिम के नाम से और रसूला की आलते भी नाम है बिल्कुल मैं हदीसा और कुराना साबित किया कोई मिर्जिया की तरह ना आखे भी मुसलमान आते जी खत्मे नबत तो उम्मत इनाम बंद हो गया नहीं मनसबे नबत बंद है कि हम कोई आदमी नबी नहीं खाऊगा शाय सारिया मिलनिया इस उम्मत जड़िया पिछले नबिया मिल गई अल्लाह कराम भी करना हजूर ने आख्या मुहद्दस हो गए मरहम आवगे मुफाहम आवगे है जी नहीं इनकार है उन्होंने अल्लाह तला ने मौजा की तरह करामता भी देनिया मुर्दे तक भी जिंदा करेंगे मगर इतों कोई डोल जाए भी तो फिर खुदा ही हो ना 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 नहीं खुदा का अंदाजा तुम थोड़ा जहा किया एक मुर्दा ईसा अलैहि सलाम ने दंदा कर खुदा हो गया तौबा 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 यह ईसाइया का बेड़ा डुबा दो चार गल् वेख लिया भी किसी कोड़ी ठीक करता गया इन्होंने अखा देतियां तो मुर्दा दे खुदा नहीं जोर की तौबा अल्लाह ने आख्या खुदा का पता हों तो जालमो डुबदे क्यों खुदा इन्ना ही है भी मुर्दा जिंदा करता महाराजा खुदा वजदा इरादा इन नमा अमरो इदारा कदा अमरन अकूला लौकन फेको वो तो इन्ना ही है कहता हो जा ताकत नहीं रब किसी दिता ना नबी ना नबी वली दिता कौन जरा ना सिर्फ अल्लाह बाकी सब मोहताज आ अल्लाह चाहूगा तो होना बरना नहीं हो सकता आखिरी जरा ना फैसला सब दुआव हो जाएगिया दवाइया हो जाएगियाँ असी सारी मेहनत कर लाँगे बीज बीज लाँगे गोडियाँ कर लाँगे आखिरी की है बटन दबा जिन्हों इजन आते इजाजत हो काम हो जाए जे रब ने डकता पक्या पकाइया फसल तबाह हो जाए असं हो देखते हैं कि जलजला आया कोई जला बाड़ी हुई नहीं आया कर खड़ी खेती वेख के मत गरबे करसान चौला चखर बहुत है घर आवे तो जान इस तो कौन जानता अल्लाह का हुक्म की जारी हो जाए इनू नहीं लोग समझे ब जिन्ना मर्जी लै जाओ इन्हों बे दुआ कर दो दुआ आखिरी की होना जरा अल्लाह की मसीहत का फैसला बचा हो जाए बया कि हाँ हो जाए हो जाना दुआ का भी कुछ होना वरना सब नवी वरी चीखते रह जाने कुछ भी नहीं बने लोगों ने हजरत पीर मेर अली शाह गोलड़ी रहमतुल्लाह अलैह आख्या कि कई लोग आते जी नबी भी हर दुआ कबूल फरमाया कुरान हदीस के दुश्मन किन्ने पैगंबर ने दुआई कीतियां तो अल्लाह ने डांटिया इन्नी आए जो कंत पूना मेरा जाहिरी मैं तेन हिदायत करना कि जाहिरा चुना बन उस वे नूर इस्लाम आख्या जे तू माफ ना करें तबाह हो जाए कौन आया गल्ला करता भावें अल्लाह नूं समझ लिया वे कोई चौधरी अज बाले की बैठे है कुर्सियां मल के कोई हया करो मा कदर उल्लाह का कदरे अल्लाह नूं पहचानने की कोशिश करो
कि वो हुक्म नाल सारा कुछ हो रहा, बाकी सब बेबस है। तो नबिया अल्लाह तला ने अलैहिम सलातु वस्सलाम चुनिया, की हाल होया हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, किन्ने साल रो रो के नाबीना हो गया, या असफा हाय यूसुफ हाय यूसुफ करता रहा, तो पुत्रां दे तू इन्ना कल फीस ला ले कल कदी, अब्बा जी पुराना वहम तेरा नहीं जाता। अयूब अलैहि सलाम 18 साल दुख भोगता रहा और बाद जाता मसा ने जुर्रो अंतर हम रहा, तकलीफ ने हुण बेबस कर दिता, तू सब तो बड़ा मेहरबान। और मैं अब तुम भुल जाते जे दो चार इनाम मैं उत्ते करते मौजे विखाते, तुम खुदा ही बना बैठे, तुहाडे ख्याल खुदाई इन्नी की आ, तौबा करो, खुदा बहुत अजीम है, इन अल्लाह लकवी अजीम, बहुत गालिब है, ताकतवर है, और उसके इरादे के अंदर कोई मुजाहमत नहीं कर सकता। सारी दुनिया चाहे ना भी कम नहीं होने देना, वो होके रहना अगर खुदा ने चाहा, और अगर नहीं चाहा नहीं हो। तो इस बारे किताब ना मिल सकी, अगर किसी दोस्त को मिले तो उन्हें चाहिए वो मुतारा करे, मैं बार थोड़ा जहाँ पढ़ दिया। ये मौका है, एक औरत बाजगा नामी, मुफस्सरीन लिखते कि यूसुफ अलैहि सलाम की जैसे बह शुरू हुई, मिस्र बेचन लग पाए तजारत पेशा लोग, खरीदने लोग आए, ये बाजगा बड़ी हुसनो जमाल की मालिक सी, और मिस्र के अंदर एड्डी खूबसूरत, ये भी पैसा टका लैके आए। तो यूसुफ अलैहि सलाम ने वेख्या ओ गल जिसकी तरफ तुहानू इशारा किया कि लोग कतरे नू समुंदर बना देते, वेख के भुल गई, उन्हें आख्या मेरा ईमान और यकीन है जमीन आसमाना का बनाने वाला तू, तू ही रब आ, होर कोई रब नहीं। जितों ये मुशरक डुब जाते हैं, जे एक अद्धी गल होई किसी बुजुर्ग ने मदद करती अल्लाह के हुक्म, बस खुदाई वो हवाले कर, समझ जाना मैं खुदाई है तो बहुत पड़े आ, खुदाई वास्ते जरूरी है बदल तो अब तक अरश तो तत् सरा तक उसकी हुकूमत होवे, ये कदे मुल देना हाथ आँदी है, मगर भुल जाती उस इंसान को चुके खुदाई के तख्ते बिठा देंगे, भुल गई, कह लगी मैं यो ही समझनी है जमीन आसमान तू ही बनाए, तो तू ही रब है, तो तू ही खुदा। सुन यूसुफ ला गोता जाना वहदत दे दरिया, जदों सुनिया यूसुफ अलैहिस्सलाम दे खुदा सामने खुदा की शान आ गई, तौहीद आ गई, गोता मार गया, ये बेवकूफ औरत ने मैनू खुदा बनाता। सुन यूसुफ ला गोता जाना वहदत दे दरियाई, ओहा एक जेदा मैं बंदा कहिंदा बाजगर, एक कई सफे जिहड़े मौली गुलाम रसूल किताब अगर होंगी अज का सारा उही होंदा, ताकि तौहीद मैं भी डुब जाता तुसी भी डुब जाते। फरमाया सुन तू एक कतरे वल भुलदी फिरदी आ, मतां प्यासी झाक दो बूंदा वगदा ही बह रहे गाह, तू एक दो कतरे वेख के ये वाली नज़र दमा ली, अब यह खुदा है, मतां प्यासी झाक दो बूंदा, जे खुदा नूं ढूंढनी है प्यासी आ, एक दो बूंदा दे ना डुब जा, वगदा बह रहा गाही, समुंदर अगे आदि कोई हाथ नहीं, चार कतरा रल खाक ना रही सी बैर कितने सर ना, कतरे का की है हूँ मिट्टी सिटो खत्म, असी फानी इंसान आ, समुंदर का कोई साथ बना नहीं, उसका कोई किनारा नहीं, जे विच वहम डुबे की पावे मुफ्त ना कर दिल बेरे, जे मुगालते च पै गई ना तो बिल अपना दिल टुकड़े टुकड़े कर लेंगी, तो गुमराह हो जाएंगी, तो कुछ नहीं लभना, तू हुसने दी तालब आई हो, हुसन नहीं बस मेरे, मैनू खूबसूरत वेख के तू समझ लिया बे ही खुदा है, मेरा हुसन तो मेरे अपने वास्ते नहीं, मैनू चाहे उन्हें खूबसूरत बनाता, हुने चाहे कोई बीमारी ला दे फारज हो जाए खोल है, किन्ने खूबसूरत चेहरे जिहड़े झुड़ियां पै गई सी ने यारे शक्ल ही बदल, हुण मैं तू मुहताज नू खुदा दे बराबर बनाती फिर, ये हुसन भी मेरा मेरे वास्ते नहीं, छोड़ मैनू लब साहेब मेरा ओहा साहेब तेरा, तेरा मेरा दम दा लेखा काई रोज वसेरा, मेरा और तेरा सारा का मालिक करला, मैनू छू लभ ते मेरा तेरा एवं एकदम का एक साह का काम है, किसी दिन मैं भी नहीं होना, तुम्हें फानी है, एक दो रोज़ है रहन का जहान है कुछ नहीं, मैं मोहताज खड़ा दर जिस दे जित सबून जमालों, एक कतरे वल वेख न रुझी औगत जावे जानो, तू मैं खुदा दे दरवाजे ते आप मंगते मोहताज और आजत बंदा, तो तू ये समझ बैठी कि मैनू जे कतरा हुसन का देता तो मैं ही खुदा हाँ, एक कतरे वल वेख ना रुझी औगत जावे जान, भुल ना जावी मुगालता ना खा दी, खुदा नू खुदा पहचान, उस कह बीबी मैं बंदा जिसदा उस दा जग सारा, ओ फिजदात गनी हर शह थी उस बिन हर बेचारा, उस तो बगैर जिन्हें नबी वली सब बेचारे, असी समझने आप पावर है, पावर की है, पिछों इजाजत हो रही है मुर्दा जिंदा हो रहा, वरना वही साहब ने मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह इंजील चाहता तो तुम सब कुछ बदल लिया, तो खुदा का बेटा तो खुदा भी बना रहे, तो हाल की होया सी गर्मियों के दिनों भुख लगी तो अंजीर के दरख्त वाल गया, तो उत्थे कोई फल होगा नजर नहीं आया, बद दुआ की तू सुख जाए, हालांकि भी जुलम दरख्त जो उस मौसम से नहीं फल
तो उस दरख्त का की गुना, मगर मैं ईसाइयों की गल भुख ने सताया तो दरख्त तो फल लगा बड़ा फरमा इन्होंने खुदा बना लेंगे को डर जाओ अल्लाह तो। अल्लाह के रसूल अल्लाह सलाम को साहबा है, अल्लाह के रसूल अल्लाह सलाम बड़ी अफयाई है जंगे खंदक पत्थर जेडे पेट न बन्ने चुके विखाया, नबी अल्लाह सलाम ने कपड़ा चुकया भाई वेखो दो बदे लक सीधा रखने ली बकत बकत की गल्ला रब चाहे तो थोड़ा जहा खाना ही बेशुमार लश्कर लिए पूरा। और तदे साहबा आंदे रजी लाने दिमाग ठीक बादशाह की तरह गलती नहीं सी आंदे जे ऐसी बरकत होंगी सी थोड़ा पानी हजारों काफ़ी हो रहा खन असी उस यकीन करते कि बरकत आसमान तो आ रही किसी नहीं आख्या बेत हजूर का अपना ही कमाल है। ये डुब जाते लोग भाई नहीं जानते भी जो कुछ है पिछों बिल्कुल जो मदद करे दूर दूर दिन खबर भी रब देता बे ना दसे खोलती भी नहीं दस। याकूब अलैहि सलाम के किसे चो ही हजरत सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमा कुरान का बयान आ एक तो यह वक्त है भी जो अल्लाह ने परदा जरा खोलना चाहिया तो मिसरों कुरता लैके काफिला चलिया तो याकूब अलैहि सलाम ने आख्या और पुत्रो जे तुम कौन उन्होंने के बुढ़ा सठिया गया तो यूसुफ अलैहि सलाम की खुशबू आँगी रब ने चाहे तो मिसरों खुशबू आई फिर लागे किनान दे खूज प्या रहा आंदा पुत्र ढूंढो ए रोंदा रहा तो ढूंढो आंदा रहा फिर हसा तू मैं यूसुफ तलाश करो तो साजी फिर आंदे यके पुरसीद जांगम करदा फरदन मसले ठीक रख्या करो ना इनकार करो कि रब नेक बंदा ने जदों चाहता इनाम भी करता उसका इनकार नहीं मगर इतों छलांग ना लगाया करो कि खुदा ही बढ़ा रहो खुदा ही बहुत परे एक कचरिया ना खुदाई नहीं बनती खुदा दी होनी बहुत बड़ी शान की जरूरत है तो साडे अंदाज परे ताकत हैं जिहड़ियां खुदा दी इस तो सूरा जमन चला फरमाउंदा और तुसी खुदा दे बारे की अंदाजे कीते वल अर्ज़ व ज़मीन क़ब्ज़तु यौमल क़ियाम ये आसमान जमीन जिहड़ी है अल्लाह की एक मुठ्ठी होनी तुसी इहनू मशरक मगरब इन्ने मुल्क समझ ले ऐ मुठ च रही होनी बस समावात मतवियात यमीन है और अर्श तो लैके जरा तो उन्होंने एडा जहान नजर आउंदा यह सज्जे हाथ उन्हें लपेट के फड़िया होना इस तो उन्होंने खुदा ने तो बना लिया दुनिया सुभान व तआला माशरकून ए कुरान के फिक्रे जिते खत्म होंगे इतने ही आलम डुब गया ना तो पहलिया तशरियां करे तो सरसरी लंघ जाते कि अल्लाह गालिब है कवी है वह सारा फरसा तो ये सारे जहान की मंतक है जे ये टिक जाओ तो इलम के दफ्तर खोल दो अल्लाह का सुभान व तआला माशरकून गल करद सोच लिया करो कि सुभान है कि नहीं हर किस्म की खामी तो पाक है कि नहीं जे नहीं पाक तो अल्लाह क्यों आते थे जे पाक है क्यों फिर तुम दिलाते अल्लाह नहीं सुनता अभी फलाने वाले चलें इतना वाडा इल्जाम की है कि खुदा बेरहम है ज़ालिम है कि मखलूक पैदा कर रही मुड़ के फिक्र नहीं करता इतों वीडी तुम सोनी एक मालिक अपने नौकरा रोटी नहीं देता कहता मालिक हो इस तो रब न समझना कि बंद नहीं सुनता नहीं इस तो वाडा कोई कुफर नहीं खुदा से तुझ बुतों से तुझको उम्मीदें खुदा से ना उम्मीदी ये काफिरी नहीं तो बता और काफिरी क्या ये बंदे तेरी सुन गए अल्लाह नहीं सुन हालांकि तेन ये भी शर्म होनी चाहिए जी बे बंदियां दा हाल हो रहा मेरा तोड़ा मेरे दिल तरस आया मैं सिफारिश की तोड़े भी आ गया और अल्लाह का यह हाल है कि असी कहे तो उन्होंने सोच आनी तौबा करो अल्लाह ने जिस हरामी ने सोचा और पहला वह दिल च आँदी है फिर तेरे दिल च पाँगा कि दुआ कर इस नुकते समझो खुदा के बारे जो समझना कि कोई नवी गल उन्होंने सोची इतों वाला कुफर कोई नहीं तौबा कर लो कि फुरान ने दुआ की रब न सुझा बहाने की कम कर दौ दवाई डॉक्टर की समझ आई भी उन्होंने शिफा दा नहीं वो फैसले अजली है वो कलम खुश्क हो चुके हैं जमीन आसमान नहीं सी बने जो तो उन्हें आख्या बे डिकरों दुआ करवानी है यदि इज्जत बनानी है तो कम मैं कर रहा कम पहला फैसला कर चुका इस तो कोई अल्लाह का इरादा मुतजिल नहीं इलमी बात खुदा के बारे जिस सोचा ना कि कोई नवी गल उन्होंने सूझी पक्का काफिर है उसका इलम कदीम खत्म हो गया यद मतलब उन्होंने नवी नवी गल सोचनी पहला जाहिल है बेखबर है सब कुछ जानता इस इतने कोई ना कहो बे फुलान ने क्या तो फेरा होया यह कहो अल्लाह ने चाहे तो फुलान के मुँह गल कटवाई इंज कहो उस बंदे की भी इज्जत ठीक है बन जूगी तो कम उ होया जो अल्लाह तारा ने चाहे ए नुकते की बात तो अल्लाह का सुभान हो पहला गल करो कि अल्लाह कोई खामी है मैं दूर है तो नहीं सुनता बेरा मैं भी तो तरस नहीं खाता दाना नहीं भी जिन्होंने पता हो की करना चाहिए कोई क्डो ना खामी वो जिस दूजे अल गए वताला माशरकुम तौबा 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 की बयान करा कुरान सुभाना खामी कोई भी नहीं ताला मुबालगा क्यों जड़ियाँ अजमत खूबियाँ खामी कोई नहीं तो खूबियाँ अंदाजों पड़े उच्चे तो उच्चा उच्चे तो ला ओदा इलम ओदी ताकत ओदा सुनना ओदा रहम वो अरहम रहमीन
ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਊਗਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਤਰਸ ਉਹਨੇ ਪਾਉਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਾਗਲਾ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿਉਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਾਓ। ਤੋ ਯੂਸੁਫ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਹਟਦਾ ਬੀਬੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਫਿਜ਼ਾਤ ਗਨੀ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਬਿਨ ਹਰ ਬੇਚਾਰਾ, ਉਦੋਂ ਸਿਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੁਹਤਾਜ, ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰ ਖੁਬਾਬ ਨਕਾਰਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੇ ਆਸਮਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤਾਕਤਵਰ ਦੂਰਬੀਨਾ ਇਜਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਹਾਨ ਹੈ, ਚਰਖ ਹੁਬਾਬ ਨਕਾਰਾ, ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਲਬੁਲਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੁਲਬੁਲਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਵਸਿਆ ਕੁਰਸੀ ਉਹ ਸਮਾਵਾਤ ਵਲ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਗਵਰਨਰ ਰੱਖੇ, ਨਹੀਂ ਆਸਮਾਨ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਆ ਉਹਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਦੀ ਆਖੀ ਇੰਨਾ ਜਹਾਨ ਕੱਲਾ ਸੰਭਾਲੇ, ਵਲਾ ਯਊਦਹੂ ਹਿਫਜ਼ੁਹੁਮਾ। ਇਸ ਪਾਰੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਬਈ ਮੈਂ ਕਾਬਰ ਦੀ, ਉਹ ਬਈ ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਦੱਸ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਮ ਆਇਤ ਕਿਹੜੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਲਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਇਤੁਲ ਕੁਰਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਸੀਨੇ 'ਤੇ ਆਖਿਆ ਅਬੁਲ ਮੁਨਜ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਇਲਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਵਾਕਈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਮ ਆਇਤ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਫਰਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਔਰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਸਿਵਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਕੋਈ ਕਸਰ, ਮਰ ਜਾਏ ਜੰਨਤ 'ਚ ਸਮਝੇ ਤੇ ਮੰਨੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਆਨਾ ਆਸਮਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਏਡਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲੂ? ਵਲਾ ਯਊਦਹੂ ਹਿਫਜ਼ੁਹੁਮਾ, ਇਨਕਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਉਸਕੇ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਸੌਂਦਾ ਨਾ ਉਲਾਟ, ਇੱਥੇ ਨਬੀ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਈਦੇ ਕਾਇਨਾਤ ਫਖਰੇ ਮੌਜੂਦਾਤ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ, ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਕੁਫਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਠੀਕ ਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਔਲੀਆ ਅੱਛੇ, ਔਲੀਆ ਤੋਂ ਨਬੀ ਅੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹੀ ਸੌ ਬਿਸਮਿਲਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋਗਾ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਸ਼ੀਤ ਔਰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਉਸ ਚਾਹੁਣਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਕਾਨਾ ਵਮਾ ਲਮ ਸ਼ਾ ਲਮ ਕੁਨ, ਜੋ ਚਾਹੇਗਾ ਹੋਗਾ ਔਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਈਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਮਸਜਿਦ 'ਤੇ ਡੀਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ, ਆਪਨੇ ਆਖਿਆ ਟੱਬ ਮੰਗਵਾ, ਟੱਬ ਮੰਗਵਾਇਆ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ਕਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਆਪਨੇ ਬਸ ਉੱਠਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਅਖੀਰ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਬਸੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਖੁਦਾਈ ਇਹ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਓ, ਮੇਰੀ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚਾ ਬਣੋ। ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝਵਾ ਕਰੋ ਪੜਿਆ, ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟੱਕਰ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਕਵੀ ਅਜੀ ਸੁਬਹਾਨ ਆਊ, ਹਰ ਐਬ ਦੀ ਨਫੀ ਕਰਦੀ ਕਿ ਖਾਮੀ ਉਹਦੇ ਚੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਮੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਰੋ ਵੀ ਯਾਰ ਐਸ ਪਾਣੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸੁਣਨੀ ਸੁਣਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਰਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਇੱਕ ਡਰ ਪੈ ਬੈਠ, ਗਰ ਹੈ ਤਵੱਕਲ ਕਰੀਮ ਪਰ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਫਕੀਰ ਕੋ ਫੇਰਾ ਨਾ ਚਾਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਫਕੀਰ ਹੈ ਉਹ ਆ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਕੋਸ ਬੂਹਾਂ ਲਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬੂਹਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰਨ? ਬਹਿ ਜਾ ਜੰਮ ਕੇ, ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ, ਲਾਲਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਤਿਓਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਭਣਾ, ਧੱਕੇ ਖਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰ 'ਤੇ ਯੂਸੁਫ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਉਥਾਈ, ਇਹ ਦਰ ਤੋੜ ਨਾ ਜਾਈਂ। ਬਾਜ਼ਗਾ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੀ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਥਾਈ, ਇਹ ਦਰ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਈਂ, ਜੇ ਛੋੜ ਚੱਲੇ ਕਦ ਕਿਧਰੇ ਖੈਰ ਮਿਲੇ ਤੁਰ ਤਾਈ। ਜੇ ਬੂਆ ਛੱਡ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਜਿੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਖੈਰ ਮਿਲਣਾ, ਕਾਫਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਮਰ। ਹੈਂ ਇਸ ਪਾਰੋਂ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਜੀ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਖੁਤਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਔਲੀਆ ਦੀ ਰੰਦੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਮੌਜੂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਬਾਤ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਹਦਾਨੀਅਤ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਹੰਮ ਦਾ ਇੰਧਨ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤੌਣ ਪੰਨ ਦੇਣੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨਿਕਾਇਲ ਜਿਬਰੀਲ ਇਸਰਾਫੀਲ ਏਡੇ ਏਡੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਮਲਾਇਕਾ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਕਰਮੁਨ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਯਾ ਜਿਬਰੀਲ ਯਾ ਮਿਕਾਇਲ ਤਵੀਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਔਰ ਮਿਕਾਇਲ ਇਸਰਾਫੀਲ ਵੀ ਮਜ਼ਾਲ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉਹ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ, ਦਾ ਯਸ ਬਿਕੂਨਾ ਬਿਲਕੌਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮਜ਼ਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਰਸਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ। ਵਹਮ ਬਹਿਮਰੇ ਹੀ ਯਾਮਰ, ਹੁਕਮ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਆ ਭੱਜ ਕੇ, ਉਹ ਨੌਕਰ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ਰੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਰ ਇਸ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਹੈ,
जिन्हें यह नहीं समझा ना 33 करोड़ देवता बना दे। हिंदुओं ने फरिश्ते ही देवता जड़े बनाया कि अग्नि देवता अग का फरिश्ता है हवा का देव। गल तो ठीक है, अल्लाह ने महकमे उन्होंने दिते, मगर यह ना समझा कि मुख्तार नहीं, ये अपनी मर्जी नहीं कर सकते, इज़्ज़त दे मुहताज। इस तो मालिक नूं कहिए भी तू कर, वह कह दूगा फिर दौर पैण, उन्हें ना किया तो कुछ नहीं कर सकते। सारा जहान कहना भी तुम मदली आ जाओ, फरिश्ते हो नहीं आ सकते, तो खुदा कहो जा बदर मदद करो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, उतर पैणगे फौज दर फौज आ। इस तो क्या अल्लाह नूं पुकार, अल्लाह तो सुवा किसे नहीं पुकार। तो इत्थे जिहड़ियां गलतियां और गुमराहियां उन्होंने बारे च, एक गुमराही है कि लोगों ने नेक लोगों के बारे से फर्ज कर लिया और औलिया, बहुत बड़ी गुमराही, बड़े बड़े पढ़िया लिखा एक दर्जा आता जिते औलिया तो तकलीफे शरी खत्म हो जाए, हलाल हराम नमाजा रोजे उन्होंने बस हो जाते हैं, शरीयत एक पौड़ी सी हूँ अगे चले गए उन्होंने इस गल की, जो ये बड़े बड़े लोग इतने बेईमान होकर मरे कि वलियां हूँ कि नमाजा रोजे की झूठ बोल रहा, कि नबी और कि वली है जरा मुहम्मद रसूल सरसम तो अगे निकल सकता। रसूल करीम अलैहि सलाम के कदम मुबारक लकीर खिंचते आते तो उठा के इधरों चाचे ने फड़िया से दूजे वाले नहीं फड़िया लिया के जमात ना बठाओ, नमाज माफ हो उन्होंने ना जे मलंगो और बदमाशो पंगा पीते वारस से ही चंगा सी, नमाज माफ ना हो पैगंबरान तारक मार दे दम कमाल दाई, ये नमाज में छड़ी बैठे है तो दावे कर दे वैसे कामिल बड़े पहुंचे, पर मैं लानती तू कामिल है, तेन शर्म चाहिए है कि नमाज अल्लाह ने पैगंबरान नहीं छी बीमारी च नहीं छी, पर मैं खड़े पढ़ो लम्मे होके पढ़ो जिमें पढ़ी जाती पढ़ो, हाँ नमाज माफ ना हो पैगंबरान तारक मार दे दम कमाल दाई। तो मैं कुछ औली अल्लाह का ही पढ़ा कि नेक लोगों चो कई बारे चाह, किसी ने आख्या कि फुला जरा हवा चुड़ता ना ना बी जी लो नजरत मिला राजू ने ओझा मिलल करामा थत्ता यरत की फिर हवा फरा तख्तर हो गए। हजरत बाजी बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जिसे बारे शाह फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह तज़किरा तौलिया लिख दे कि बाजी दरम्यान है मा हम तू जबरील दर मलाइक, दो फरिश्तों हजरत जबरील का दर्जा उही दर्जा है सम्मत दे वलियां बाजी का, यह पीराने पीरोड़ी भी सब बात हो बाजी बिस्तामी रहमतुल्लाह। तो बाजी फरमाते अगर तुम किसी बंदे वेखो कि उन्होंने ऐसा करामात मिलियाँ कि हवा चुड़ता फिर, यह गल वेख के कई गुमराह होंगे है कि हवा च फिरता है चढ़ते लेंदे चला जाता, फला तक तरूबे कोई धोखा नहीं खाना, हत्ता तंजू ना हो कैफता जिदू ने अमरे वन नहीए वह सिलो दूध है वादा शरीय, जिन्हें चिर ना वेख लो कि जिन्हों कमां का रब ने हुक्म दिता वह कम करता, जिन्हों तो रोकया रुकता, और शरीयत की जी हदूद है दीन दियाँ पाबंदियाँ उन्हों का पाबंद है। अगर ये नहीं तो दज्जाल है कोई साहिर है जादूगर है कोई मकार और बेईमान है, खुदा का वली नहीं हो सकता, नेक बंदा नहीं हो सकता। कई लोगों ने आख्या कि शेख बाधे लोगों के बस इस दर्जे में पहुँच गए बस सानू हूँ किसी इबादत की लड़ नहीं, सानू कोई नेकी बदी करने की लड़ नहीं, पर मैं बिल्कुल ठीक आँदे वो पहुँच गए मगर पहुँचे जिते वो जहन्नम ना, पर मैं पहुँचे जड़े ना ये ठीक आँदे भी पहुँच गए मगर पहुँच दोज़ख गए, हूँ बाकी इन्होंने नमाज रोज़ा की करना है, पक्के दोज़खी हो चुके हैं, लानत हो गई रब की तरफों, इन्हों हूँ कोई जरूरत नहीं है काम करने की, ठीक आँदे बस ही पहुँच गए मगर पहुँचे जहन्नम के अंदर, वरना कोई नेक बंदा किसी दर्जे से भी चला जाए शरीयत तो आज़ाद नहीं हो। जिन्हें आख्या भी हूँ शरीयत की लोड़ नहीं, शरीयत कोई छोटी जी गल, मैं सूफिया का लिखा ही तुम दसदा जेडे नेक सूफी के कलंधर जड़े से वह गए हजरत काजी सनाउल्ला पानी पत्ती रहमतुल्लाह अलैह, मौली सनाउल्ला अमृतसर ही नहीं, ये बहकी है वक्स शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह दे शागिर्द सी, तफसीर मज़हरी लिखी है, उर्दू तर्जमा भी हो गया, लोग आते यार कमाल कर, और एक ऐसी फारसी किताब सी खत्म हो गई, दरस भी सारे हूँ जड़ा जड़ गया, मारा बुद्धा मैनो उर्दू तर्जमा किया कि जिसके बगैर चारा नहीं, एक किताब पढ़िया एक कम अज कम दीन का पता कर ली, वरना इस तो बगैर कुछ खबर नहीं चाहिए, अकीदे की होने चाहिए नमाज रोजा दे माला बुद्धा मेरा। तो काजी साहब बैठे थे कलंधर आ गए, मुछा बहुत बड़िया बड़िया दाढ़ी चट, काजी साहब ने आख्या कि अल्लाह दिया बंद शरीयत के खिलाफ है मुछा कुतरा, उन्हें आख्या काजी साहब अखा मीटो, काजी साहब ने अखा मीटिया वेख्या तो एक परा जरा सी ना एक मुछ वो अरश ते सी ते सतवीं जमीन के थले, उन्हें आख्या जे कट्टियां जांदियां कट ला, काजी साहब भी वली अल्लाह भी साहिबे शरीयत आदमी, उन्हें आख्या कलंधर साहब मीटो, कलंधर साहब जैसे व्यक्तियां शरीयत की कैंची अरश तो भी सिरा अगे दूजा थ सतवीं जमीन के थले मुछा बिच, उन्हें आख्या कट दी बाकी शरीयत हाकम, शरीयत हाकम है
एक कुछ गल सानू शैतान ने मुगाल दे दिते शरा तो बाहर कौन हो सकता जिन्हें आख्या शरीयत खत्म हो गई पिछे रह गई अल्लाह के रसूल पिछे रह गया तू गाह लंघ गया तौबा कर। और ठीक किया हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने कि जो कुछ कहें असं पहुँच गए पहुँचे ठीक है मगर पहुँचे दोज़ख जाने उत्थे पहुँच गए होने अमर शमर की लोड़ नहीं रही बिल्कुल गुमराह झूठ बोल वकान यकूल इदार है तुम शख्स मुतरब फिल हवा फला तलता फिर तू इला तुम वो मुकैद बिल किताब सुनना हजरत जुनैद बगदादी फरमाउंदे रहमतुल्लाह अलैह कि अगर तुसी किसे आदमी नूं वेखो कि हवा च इस तरह चौकड़ी मार के बैठा बिल ना कि थले सहारा ना कोई तो ध्यान भी ना करो दे कोई नहीं कि लंगोटी है नहीं तेर ते वली है पर मैं ना मुगालता खाई जब तक ये ना वेखें कि वह अपने आप ने किताब उल्ला दा और सुनते रसूला दा पाबंद बनाया अगर कुरान और सुनत तो हटिया कोई नहीं गुमराह है बेदीन है कोई शह नहीं उदे हजरत अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ए फतावा अज ज़ुबदा तो ज़किया बहुत सफ़ा सजदा ताज़ीमी कि वलिया की कबरां या जिंदा करन का कोई दर्जा नहीं इबादत का सजदा ना करे ये लोगों ने लुचतलना शुरू कर दिया। ख्वाजा हसन निज़ामी से ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह दरबार के मुतवली उन्होंने भी रसाले लिखने शुरू कर दिए तो यार हजरत ने फिर रद्द लिखा तफसीरां के हवाले हदीसां के हवाले फिर एडी वड्डी किताब है कोई अल हदीस रुद्योबंदी भी नहीं लिख सकती पर मैं बिल्कुल गलत है सजदा तज़ीमी हराम है नाजायज है। हुण जिहड़ा उन्होंने आख्या फलानी फलानी किताब से लिखा भी जिहड़े ख्वाजा फरीदुद्दीन से ख्वाजा निज़ाम सजदे कराउंदे कम दियां गल्लां 523 सफ़ा और जिल्द जिहड़ी है ये समझो दसवीं अव्वलन इसी का सबूत दरकार कि ये किताबें हजरात मनसूब इलैह रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की हैं पहला तो आते ये साबित चिन्ह करना कि किताबा उन्होंने वलिया दी लिखिया हुई मेरा ये मशहूर है कोई शह नहीं बहुत किताबें मैं झूठ निस्बत करके छाप दी हैं जिनका जिक्र आखिर फसले सेवा में आता दुनिया चाहते बहुत जाली किताबा जड़िया वलिया का नाम लैके इस तो कौन ठेका लेंदा बे बाकी बाबा फरीद की लिखी गई पहला ये कौन साबित करूँगा और अगर साबित भी हो जाए कि उन्होंने किताबा तो फिर भी फरमाउन के सिवाए नबी तो कौन है जी हर गल मनी जा सके कोई यह नहीं ठेका रह सकता कि नबी जेड़े उन्होंने अलावा भी सारे दी गल दुरुस्त है बहुत सारे ने ऐसा गल्ला कीतियां जड़िया झूठियां हर आकल मुसलमान जानता है 530 और 531 कि नौ बशर में इसमत खासा है अंबिया मुसलमान के बच्चे नूं पता बे गलती तो बचा सिर्फ अल्लाह का नबी हुंदा नबी के सिवा कोई कैसे ही आली मरतबे वाला ऐसा नहीं जिससे कोई ना कोई कौड़े ज़ईफ़ खिलाफ दलील खिलाफ या खिलाफ जमहूर सादर ना हुआ हो बाकी नबियों के अलावा भावें किड्डा उच्चा ना अगे दसनगे कि भावें सहाबी भी है कई को ऐसे फतवे सादर होए कि अगर कोई अज उसते अमल करे दोषी है पक्का दोषी कोई जान नहीं छुट सकती वो मगर पहले असं माफ़ी देंगे कि उन्होंने खबर नहीं सी हुई नहीं उन्होंने कोई इल्जाम लगावे मगर अमल नहीं कर सकता कुल माखूज उमिन कौले मरदूद अल्लाह साहब हादल कबर सिवाए इस कबर पाक वाले दे अल्लाह दे रसूल अल्लाह सलाम दे हर एक की गल लई भी जाती है तो दद भी आती है इस तो की तुसी पेश करते फिर वरी कर दे वरिया का करना दीन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तेबा जमहूर का होगा रकम सवाद लाजम और कौड़े साज मानने वाले पर शरी इल्ज़ाम शदीद आयद होगा ना कि माद अल्लाह साहेब कौल पर जिन्हें पहला गल कही सी उन्होंने कुछ नहीं कहेंगे माफ़ी उन्होंने नहीं सी खबर मगर हूँ जरा उत्ते चलूगा शरीयत के डंडे हेठा आ जाऊगा मैं तू ये जाली कौलों नहीं फिर अगे फिर लिख दे फकीर का रसाला इरशादात कसीर से साबित किया कि शरीयत मुतहरा सब पर हुज्जत है और शरीयत मुतहरा पर कोई चीज़ हुज्जत नहीं इन पले बन लो एक फिक्राई सारिया तकरीरों का हल है कि अल्लाह के रसूल की शरीयत सब से हकम है इन्हें फैसला करना कि वली ठीक कर रहा है गलत जो शरीयत से कोई हक नहीं एक फलां वली ने क्या कोई शह नहीं वह मातहत है असी जांचांगे कि रसूलों की शरीयत ताबे उसकी गल या गलत अगर वो गलत होगी तो उन्होंने ज़्यादा ज़्यादा एक गलत को अगर होगी तो अल्लाह उन्होंने माफ़ी दे गल वो कोई नहीं मन इस तो एक तो आ गल हुई कि जेड़ा कवे ना तो किसी मुकाम पर जाके कोई आदमी शरीयत तो आज़ाद होता उस पर अल्लाह की रिफरिश्तों की लानत है ये किसी वली ने नहीं किया किसी इमाम नहीं किया झूठ बोल और हजरत अगर हजरत खिदर अलैहिस्सलाम का हवाला दें जिस तरह के बदमाश और जिंदीक और डाकू दीन दे दें कि मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत कुछ आँदी सी खिदर कुछ और खिदर तुहाड़ा प्यो जिहड़ा वली सी उत्ते इल्हाम हुंदा सी दौड़िया उन्हें पुछो खुद नबी से अपने वक्त का
उस इलाके का नबी सी, उत्ते शरीयत आउंदी सी, जिस पर उन्होंने आप आख्या मा फल तो रामरी मूसा, इन्हां चो कोई काम मैं अपनी मर्जी ना नहीं कीता, हुक्म आया। तुसी अगर आखो रसूलां तो बाद हुक्म आया, फिर नबवत जारी कर दी, फिर शान नहीं निरी मौजदे करामतां, फिर तुसी सिलसिला शुरू करता कि फिर शरीयत उतर गई है, और वह शरीयत रसूलां दी शरीयत दे खिलाफ है। नबी पाक को सुनांदे तुसी काफिर हो गए, इस्लाम चो निकल गए, हुण खिजर खुजर भी कोई नहीं, इत्थे जिन्हें रहना पैरो होकर रहन। और इतने मैं दरम्यान कहवा कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी झूठ बोलता, बहुत झूठ बोलता, मसलियां उन्होंने करने की लड़ नहीं, एवें लोगों के मिर्जाइया गल करो, कादी करनी है, इन्ना ही करो कि उन्होंने सच्चा साबित करो, झूठा। किताब अल बरिया लिखता कि यार मैं ही क्या ईसा अलैहि सलाम मर गया, यह शेख मुजद्दीन इब्न अरबी भी आंदा कि ईसा अलैहि सलाम मर गया, शेख अकबर से तुहमत लाई, हालांकि शेख अकबर ना मुरादा जालमा झूठा चार नबियों जिंदा मानता, तू एक ईसा अलैहि सलाम रोंदा सी, उन्हें जगह जगह क्या कि चार नबी जिंदा जिस पर जमीन आसमान कायम है, और जिन्हें मर गया जहान फना हो गया, तू एक रोना चार आंदा, तू ये झूठ बोल के दुनिया ने धोखा दे रहा कि लोग आखिर यार एड्डा वड्डा बली, वह आंदा हज़रत इलियास जिंदा है, हज़रत खिज़र जिंदा, हज़रत इदरीस जिंदा, हज़रत ईसा अलैहि सलाम जिंदा, दो आसमाना ते है, दो जमीन ते, ये ठीक है करिए नहीं, मगर तू जड़ी करो ना पुछ क्यों शेख चार नबी आंदा जिंदा है, तो तू झूठ बोल रहा भी आंदा ईसा अलैहि सलाम ही मर गए, ये दरम्यान गल है, बिल्कुल दज्जाल है, कज़्ज़ाब है, कोई लोग सुन के यार तू शियां नूं भी नरमी देना पड़ा, क्यों ना नरमी दें, उन्हां दा दीन है, वो अल्लाह तो डरते हैं, कोई मसला कर दे, वो गलती होते, ये झूठा बिल्कुल कोलों हवाले बनाऊंगा, कोई शेख खुदा दी नहीं फरेब बनाया, कारोबारी एक कंपनी है, जिहड़ा मुंडा आ मैनूं उसका ग्रीन कार्ड लै दे, नौकरी दे, उन्हां मर्ज़ी करी जांदे, ईसाई भी इदां कहे लालच दे के ईमान खरीद दे, इत्थों ही झूठा होना साबित है कि दलील ना कायल नहीं करते, बेरोजगार बच्चों गुमराह करते, तुहानूं नौकरी दो, ये दीन है। इस तरह मैं अगर ईसाई नूं धोखा कर रहा, बच्चे रोटी दें आदा, कोई दीन नहीं, फरेब बीन गल ना मनाओ कि इस्लाम को आ दलीला हक, वो हक समझ के आवे, फिर ठीक है मदद करो, लालच देने का भी कुछ चुक, बिल्कुल टूट, ये दोवें ग्रोए हुए ना कारबा कि गरीब बच्चों गुमराह करो, उन्होंने आखो तो अफरीका वाला जरा अमरीका झूठ बोल, तो शरीयत तो कोई बंदा आजाद नहीं हो सकता। हुण सिर्फ एक दो गल्लां जिहड़ियां नेक लोगों ने कहीं सुनाईए, जिन्हां च हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दी एक हदीसे पाक कि रसूल करीम अलैहि सलातु वसलाम ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कि इब्ने अब्बास गल सन चाचे का पुत्र नाल सवार, फरमाया इब्ने अब्बास कुछ गल्लां तेरे नाल करनियां, ध्यान नाल सुनी, इन्हां नूं याद रखी, अगर तू इन्हां ते पहरा देगा तो अल्लाह तेरी हिफाज़त करूगा, जे तू रहा ना पक्का अल्लाह माल करूगा। उसके बिच रसूल करीम अलैहि सलाम ने फरमाया असी भी बड़े परेशानियों का शिकार है, आखिर इंसान जहाँ रगड़ा लगता चक्की च पिसद फिर हाल हाल कर दे, कमजोरी च हुई मखलूक है, ये होना ही चाहिए, मगर ये हाल हाल अल्लाह के करनी चाहिए जरा हल कर सकता, असी होर पासे भज जाने। फरमाया सलता फसल अल्लाह, इब्ने अब्बास जदों मंगना होया अल्लाह को मंगी, वे दस्तानता फस्तान बिल्ला, मदद की लड़ पवे तो अल्लाह को मदी, तो गल सुन ला अगर जमीन आसमान की सारी मखलूक भी मिल जाए तेनू को नफा पहुँचा चाहे लम यक भुला लका, अल्लाह तेरी किस्मत चो नहीं लिख सकिया तो कोई दुनिया का बंदा नहीं पहुँचा सकता, भावें जमीन आसमान मिल जाए तो जे सारा जहान चाहे भी तेरा बिगाड़ जाए तो अल्लाह नुकसान तेरी किस्मत नहीं लिखा, तेरा नुकसान नहीं कर सकते, रोफिया तिल अकराम जफत सोफ, अल्लाह के कागज सुख गया सही उन्होंने कलम उन्हें चुक रहा, इन्हें रद्दो बदल करा बंदे के पुत बन जाए। उत्थे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह दे नेक बंदे खुदा नूं मनन वाले, इस तो अल्लाह आंदा दिन कयामत आया उदों मैं सामने करूँ, सूरा अहकाफ दा इब्तिदा पढ़नी है कि नबी वली भी कट्ठे होणगे, नबी भी होणगे ते पूजन वाले भी होणगे, उस मैं पुछूंगा भी गल करो भाई ये मैं तुसीं दफ्तर खोल दिते, तुसीं कोई इहो जिहा आफिस खोल दिया सी भला लाल ना हुण जाया करो, दरखास्तां साडे कोल लै आया, तौबा तौबा, उस खुदा दे नेक बंदे की कहण, ए सूरा अहकाफ छब्बियां पारा कहानियां सुन दे जे मिम्बरां दे चढ़ के जाली किसे सुन दे जे, कुरान सुनो अल्लाह फरमाउंदा वमा नज़ल्लो मिम्मन यदू मिन दूनिल्लाह, इन्हां तो वध गुमराह कौन होना, सवाल दे रंग चख्या कि कोई है इन्हां तो वध भटकिया तो गुमराह जिहड़े अल्लाह नूं छड्ड के उन्हां नूं आवाज़ां दिंदे आ, मल्ला यस्तजीबुल इलाह यौमिल क़ियामत, जे दिन क्यामत तक भी लगे रहन इन्हों का कुछ नहीं बना सकते, मैं नहीं इजाजत दूंगा कितने इन्हों के काम करा देंगे, वह मन दुआ हम गा फिर हूं, और उन्होंने भी नहीं खबर कि कोई ना मुराद साड़िया कबर से आके सू आवाज आता, अली नूं कोई खबर नहीं लगी ना कि मैंने आंदा या अली मल वक्त आऊगा फरमाया दसन गए कि सानू तो पता भी नहीं तुम ये भौंकते रह,
ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦਾ ਹੁਸ਼ਰਨ ਨਾਸ ਕਾਨੂੰ ਲਮ ਆਦਾਮ ਕਾਨੂੰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਮ ਕਾਫਰੀਨ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੂਹਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਜਣਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਮਕਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਮ ਕਾਫਰੀਨ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ ਅੱਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜਾਣਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਿਰਭਰਦਾਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਸ਼ੇਖ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਫਤੂਹ ਅਲ ਗ਼ੈਬ, ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜੀਲਾਨੀ, ਫਲ ਯਕੁਲ ਲਕਾ ਮਸੂਲੁਨ ਵਾਹਿਦ ਵਮੌਤੁਨ ਵਾਹਿਦ ਹਿੰਮਤੁਨ ਵਾਹਿਦਾ ਵਹੁ ਰੱਬੁਕਾ ਜ਼ਵਜਲ। ਇਦੋਂ ਗਾ ਤੌਹੀਦ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਖੁਤਬਾ। ਮੈਂ ਫਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਫਾਰਜ ਕਰੇ, ਕਿੱਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਕਰ। ਇਹ ਬੇਚਾਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਜ਼ਾਤ ਗਨੀ ਹਰ ਸ਼ੈਦ ਸੀ ਉਸ ਬਿਨ ਹਰ ਬੇਚਾਰਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਫਰ ਯਕੁਲ ਲਕਾ ਮਸੂਲ ਵਾਹਿਦ, ਉਹ ਪੁੱਤਰੋ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੁਰੀਦੋ, ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸੂਲ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਵਹ ਮੌਤੁਨ ਵਾਹਿਦ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦਿੰਦਾ। ਵਹ ਹਿੰਮਤੁਨ ਵਾਹਿਦਾ, ਔਰ ਇੱਕੇ ਦੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਹੋਣਾ। ਕੌਣ ਆ? ਵਹ ਰੱਬੁਕਾ ਜ਼ਵਜਲਲਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਗਾਲਬ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਵਾਸਿਲ ਮਲੂਕ ਬਯਦੇ ਹੀ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆਹ ਕਰ ਦੂਗਾ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੇਚਾਰਾ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਿਮੂਦ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤਰਲਾ ਕਰਨਾ, ਗਜ਼ਨਵੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਅਲੈਹ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੌਕਾ ਪਾ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਤਹੱਜਦ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ। ਮੁੜ ਗਿਆ ਪਿਛਾਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਉਕਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਸ਼ੇਖ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਾਨੀ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਖਤੋਂ ਸੁੱਟੇ, ਤਖਤ ਦੇਵੇ ਬੰਦੀ ਬਾਨਾ, ਕਈਦੋਂ ਚੁੱਕੇ ਦੀ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾ ਕਰੂਬ ਉਲ ਖਲ ਕੇ ਬਜਦੇ ਹੀ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਦਿਲ। ਅੱਲਾ ਤੀ ਯਾ ਉਮਰ ਅਲਾ ਸਾਦ ਅਮਾ ਉਲ ਖਲਕ ਲਹੁ ਅਜ਼ਾ ਵਜੱਲਾ ਵਲ ਖਲਕ ਵਕਲਾ ਵ ਮਨਾਉ ਹਰਕਤ ਅਦਲ ਖਲਕ ਬਿਲਾ ਤਾਇ ਲਕਾ ਬੇਦਨੇ ਅਜ਼ਾ ਵਜੱਲਾ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਹਿਲਣਾ ਨਾ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੇਬੋਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਇਰਾਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਆਨਾ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤਹਰੀਕ ਹੀ ਵਕਫ ਆਨਾ ਤਾਇਕਾ ਕਦਾਲਿਕ, ਔਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੌਫੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਦਾਲਿਕ ਕਾਲਾ ਮਿਨ ਕਾਇਲ ਵਸਾਲ ਉੱਲਾ ਮਿਨ ਹਜ਼ਰੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਬਿਆ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕੋ ਮੰਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ, ਵਸਾਲ ਉੱਲਾ ਮਿਨ ਫਜ਼ਲੇ, ਸੂਰਾ ਨਿਸਾਜ ਫੜਾਉਂਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਕੋ ਮੰਗ ਜੇ ਉਹਦਾ ਫਜ਼ਲ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਵਕਾਰ ਅਜ਼ਾ ਵਜੱਲਾ ਇਨ ਲਜ਼ੀ ਤਦੂਨ ਮਿਨ ਦੂਨ ਇਲਾ ਲਾ ਯਮਲਕੂਨ ਅਲਕੁਮ ਰਿਸਕਾ, ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਰੋਂਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਸਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਖਜੂਰ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਫਬ ਤਾਉ ਇਨ ਅੱਲਾ ਹੈ ਰਿਸਕ, ਅੱਲਾ ਕੋ ਰਿਸਕ ਮੰਗ, ਵਾ ਬਦੂ ਹੋ ਵਸ਼ਕਰੂ ਲਾ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾ। ਵਕਾਰ ਅਵਾਦਾ ਸਾਰਾ ਕਹਿ ਬਾਦੀ ਅੰਨੀ ਫੈਨੀ ਕਰੀਬ ਉਦੀਬ ਦਾਵਤ ਦਾਇਦਾ ਦਾਨ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਆਖਿਆ ਬਈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਸਲਮ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬੇ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਬੇ ਦਵਾਈ ਪਾਈਏ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਆ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਇੰਨੀ ਖੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਹੀ ਆਖਿਆ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧਾ ਦਾਇਦਾ ਦਾਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਫਿਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਕੇ ਅੱਲਾ ਕਿਹਾ ਉਜੀਬ ਦਾਵਤ ਦਾਇਦਾ ਦਾਨ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਕਾ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਲੰਮਾ ਮਰੇ ਦਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਨਾ ਮਰਾ ਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਆਖਰ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣ ਹਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਆ ਮਗਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ। ਸ਼ੇਖ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਸੈਯਦਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜੀਲਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ, ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਆਪਨੇ ਕਾਰਲ ਹੁਬਨੂ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਅਨਹੁ ਹੁਸੈਨੀ ਯਾ ਸੈਯਦੀ ਮਿਲਾਮ ਰੱਬੀ ਇਬਾਦਤ, ਇਹ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਹਬਾ ਦੱਸਿਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਦੀਨ ਬਣਾਇਆ। ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਲਈ, ਹਸਨ ਅਲੀ ਹੁਸੈਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹੀ ਹਸਨ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਹੁਸੈਨ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਨਾ ਵਾਲਾ ਇਬਾਦ ਅੱਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ,
सलाम भी कोई बनता के तुम नहीं मैनू मिलते सलाम वाला मगर एवं एक गल बना देंगे कि नहीं 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 यार पैसे नहीं सलाम ना कहो नहीं एक तरीका हो गया मुकर्र कि आम साहबी का जिक्र करो रसी अल्लाह कह दो अहले बैत चो हो सलाम कह दो फातिमा अलैहि सलाम उम्मे कुलसूम अलैहि सलाम हजरत का बच्चा छोटा जहा इब्राहिम अलैहि सलाम बुखारी शरीफ से इस तरह रजी अल्लाह कोई ठेका नहीं ना है कोई बेराजी हो चुका एडे बेल मैं तर्जमा करेंगे राजी हो चुका एक किने तो दस्या मन किनू पता राजी होया कि नहीं होया ये दुआ है जैसे अजियाने रहमहुल्लाह इतने पढ़े लिखे बैठे बच्चे माजी नहीं लफ्जी तर्जमा से अल्लाह ने उस पर रहम किया तीनों किस पता रहम किया नहीं उसे फिर करने किया रहम करे गफर अल्लाह लहू अल्लाह ने उसको बख्श दिया नहीं अहम का दुआया जुमला अल्लाह उसको बख्शे रजी अल्लाह नो भी है कि अल्लाह उसे राजी इस तो कई साढ़े यजदानी साहब वर्गे अमरजा ने बड़ी गुस्साखी की है ना रजी ने लिखा भाई जा जाके शर्बीनी पर मुखल मुसाज हर बंदे कह सकते अज तक ले लोगों ने कह सकते रजी अल्लाह कि अल्लाह उत्ते राजी हो दुआ ये बनता किसी तदे फरमाया कि जो शेख रजी अल्लाह नो बीमार होए उन्होंने बेटे अब्दुल वहाब रजी ने आख्या ओ सही आ सही जी वाह अमर बे बाद अब्बा जी कोई हिदायत कर दो जिते मैं थोड़े बाद अमल कर ए आखिरी कलमे शेख ने जड़े इन्हों गंढ दौ बे पुत्र अब्दुल वहाब नू की दस्या कार आ लै का बे तकवल्ला फरमाया पुत्र मेरी वसीयत यही है मरन लगे जी एक ते हर हाल च अल्लाह तो डरते रहना किसी हाल च बेखौफ नहीं होना देखता रहा कि अल्लाह वेख रहा तेनों हिसाब देना इस तो कदम कदम से सोच के पैर उठा कि रब को जाना अल्लाह का तकवा खुदा तो डरना खौफ वरा तहन सिवल्ला वरा तरजन सिवल्ला तो दूसरी गल पुत्र रही भी अल्लाह तो सिवा किसी तो डरी ना अल्लाह तो सिवा किसी दूसरे तो उम्मीद ना रखी दो ही शाया खौफ और तम या डरदा बंदा या कोई आस रखता बे तू मैनू तमा लाल जा पर मैं ना आस ही रखी तो ना डरी कोई सिवा अल्लाह दे ना तेरा कोई बिगाड़ सकता ही जना फैल वाकिर हवाएदार अल्लाह तो अपन सारिया जरूरत रब दे कर दी सपुरद वला ता थम दिल ला लै तो रब तो सिवा किसी पर भरोसा ना करी वतरोबा जमी मैनो तो सारिया अपन हाजत रब को मंगी वला तिख ब्यादन गैर अल्लाह तो बेटा सिवाए रब दे किसी दूसरे ते आसरा ना लावी जो भी कर सकता अतौहीद अतौहीद गुर की गल पुत्र सब कुछ जाता रहा जाता रहा तौहीद न बट्टा ना लगन दी खुदा की खुदाई च होर वार्ता तो उन्हें धौन भनदनी है बे होर गुनाह तू कर लेना जना कर लेना चोरियां मैं माफ करता और जालमा मेरी खुदाई वंड के दे तू पटवारी की तरह बे बादशाह ही मेरी दे तू उन्होंने अलाट करी गया जमाल कुल फरमाया तौहीद सारे दीन का सिरा ही ए गड़बड़ाई ए फुतबुल गैब शेख अब्दुल कादर जी रानी रहम इस पारो अल्लाह तो सवाद छड़ जाओ बिल्कुल वली नबी सब मौजदे बरहाकिया करामतम बरहाकिया मगर वो वक्ती गल अल्लाह ने कभी चाहा को गल हो गई माँ कान आले रसूल नहीं जाते अब आया थे इला बेदनिल्ला रब कोई चाहा तो हो गया ईसा अलैहि सलाम हूँ भी मौजूदा अंजील है ए बिशपा पादरियों को अब तुझी खुदा बनाई बैठे थे उन्हें जदों आख्या उन्हें आख्या सिवाय दुआ के ये मसला हल नहीं हो सकता दुआवा क्यों करता सी और किनू बाजा मारता सी खुदा का बंदा एक नेक बंदा सी अल्लाह का प्यारा सी रसूल सी बिल्कुल ठीक है मगर खुदाई जैसा कोई नहीं खुदाई खुदा दी अपनी है तनहा पैदा करने वाला अला लहुल खल वाला मर कले दुनिया बनाई है कले का हुक्म चलता ना बनाउन किसी दूसरे का हिस्सा ना चलाउन हिस्सा बेयद अल मुल्क बादशाह ही अपने हाथ है युद्धबर अमरा मेरा समाय अर्ज आसमाना तो लैके जमीन तक हर शायद इंतजाम आप कर रहा एक कोई नहीं गल पहला ने भार हौला कर ली कुछ कम आप रखे है कुछ दूजे देते यार इन्ने मेरे को संभाले नहीं जाते कुछ फाइलों तुम समझो तौबा 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 ये खुदा नहीं पहचान तौबा इन्हें देख नदी खुदा भी जड़ा ना थक जान वाला सौ जान वाला बेबस ऐसी गल कोई नहीं इन अल्लाह लकवी नजीद अल्लाह बहुत ताकत वाला तो कोई वो अगे रोड़ा नहीं अटका सकता कुछ नहीं हो सकता दुनिया सारी ने देखा और आखिर जमाने कि अल्लाह दे रसूल अलैहि सलाम नूं मिस्र चो बीबी मिली शाह मिस्र ने खत कबूल करके तोहफे भेजी हजरत मारिया किबतिया रजी अल्लाह ताला ना रसूल करीम अल्लाह ताला ने उस एक बच्चा दिता आखिर उम्र पहले पहले ही फौत हो गया जो हजरत खदीजा इब्राहिम अलैहि सलाम पैदा होया हजूर अलैहि सलाम ने घर एक अबू यूसुफ लोहार सी उसकी बीबी ने देता तू दुध पिया उत्थे जी नबी अलैहि सलाम अपने साथियों ना जाते सही बुखारी पढ़ लो जाना प्यार करना चुमना चटना एक दिन साहबी आंदा सी गए तो रसूला ने वेखा भी ये रंग ही बदल गया बच्चे दे आखिरी दम है होके लै रहा जान कब्ज़ हो रही अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने हाथ से उठा लिया अखा चो टप टप आंसू बह साहबा ने आख्या रसूला तुम भी रोंद
फरमाया मैं नाख दे आंसू पाउण तो रोकया ना, दिल दे गमगीन होण तो रोकया, इह ते रहमत दी निशानी। ये भी नहीं किसी इंसान के अंदर, तो दिल से दिल नहीं पत्थर है, मैं सिर्फ जबान ना बकना ते अपने हत्थां ना पिटना रोना, इहनू रोके ते नाल की फरमाया फिर उस या इब्राहिम इन्ना बेफिराक कर लमहदून, इब्राहिम तेरे विछोड़े ना जो दिल से गुजर रही मैं ही जानना, जैसे जिन्ना मैं ऐसे दुखी और गमगीन है अल्लाह जानता, मगर मैं अपनी जबान से ही कहना जिते मेरा रब राजी है, इन्ना लिल्लाह है वैन्ना, कि रब का माल है रब लै गया। इस तो रब से विखा रहा कि जे सारे जान चो किसी के कोल खुदाई होंगी तो मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ना सारी अपनी मर्जियां कर दे और नहीं खुदाई मेरी रहन दो, नेक लोगों का अदब करो प्यार करो, मगर ना शरीयत तो बाहर है, जेड़ा कह मैनू शरीयत की लोड़ नहीं नमाज रोज उन्होंने गली की समय शैतान का बच्चा, वो मरदूद है लानती है, शरीयत तो बाहर कोई शायद कोई हद नहीं ऐसी आँगी जिते शरीयत जी साथ छड़ जाए। आखिरी बात कि दिल्ली च लोगों ने वेख्या वक्त का वली फौत हो रहा है, शेख निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, और उत्थे ही बहुत बड़े आलम से काजी ज़ियाउद्दीन सनामी रहमतुल्लाह अलैह, वो शरीयत के आलम से काजी साहब जोड़े से वो राग सुनते, राग तो गलत नहीं समझना, तौबा कई पुछते मैं लानत की है, मौलाना अमरदाखा ने किताब लिखी पूरी कि किसी वली अल्लाह ने राग नहीं सुनिया, तो ना कवाली सुनी, तो ना कोई साज वजे, पूरी किताब है वो राग, सिर्फ मैं की कह तब बैठे होंगे किसी ने खड़ा करता तू ना पढ़ कोई अल्लाह ना ताड़ी ना कोई अंदाड़िया ना कोई औरत ना बच्चा ना कोई राग ना साध कोई शायद सिर्फ ना तो गजरा सुन लेंगे मगर ये महफिल ला लेंगे। काजी साहब ये खिलाफ से काजी साहब आते भी यार फैशन बना लेना कोई दीन नहीं, हालांकि शरीर कोई बुराई नहीं, ना ताड़ी बजती सी ना साध बजते थी, कोई शरीफ आदमी ना तो नज़म पढ़ता, बीमारी की हालत काजी साहब जोड़े से वो आख्या चलो उन्हों की खबर लिए खाजा निजामुद्दीन औली आ गए बे फौत हो रहा काजी साहब मैं इजाजत दरवाजे से जाके इजाजत मंगी कि काजी साहब ने आखो निजामुद्दीन खबर लिया, तो काजी साहब ने आख्या मेरा वक्त है आखिर मैं दुनिया छड़ रहा, मैं नहीं चाहता कि आखिरी वक्त से बिदती आदमी ना मुलाकात, मैं नहीं मत्थे लाना चाहता। खाजा साहब ने आख्या नहीं, काजी साहब न जाके आखो कि बिलती बिल तो ताए मैं वह भी छड़ दिखाई गजलों ना तो बिल्कुल तौबा करी, उन्होंने अपनी पगड़ी आख्या मेरे बिस्तरे तो लैके दरवाजे तक बिछा दौ, बंदा खुदा दा नेक सी मगर इन्नी की गल खिलाफ शरा मैनू नज़र आँदी थी, तौबा कर ली तो मेरी पगड़ी चुन गया, तो हज़रत खाजा निजामुद्दीन ने चुक के पगड़ी सिर पर रख ली, मैंने आलम जड़ा है रसूला का वारस, आलम की पगड़ी पैरों थले आने के लायक नहीं सिर पर रखनी गई, ऐ वो बुलायत आ समझो दीन है जरा अल्लाह के नेक बंद दसिया, तो जरा इस छड़ के आता नहीं फलाने कशफ करामता उन्होंने दीन की लौड़ नहीं, वो शैतान का कोई चेला हो सकता दीन का दुश्मन। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिही व असहाबिही अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलात वस्सलाम अला रसूलिल करीम सैयदना व नबीना मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही अजमईन। दूसरे ऐलानों तो पहला एक अपील जी है तवज्जो फरमाओ, ये अपने भाई कारी अब्दुल रब साहब बैठे वार बटन चुनते और इन्हें व्डे भाई मौलाना अब्दुल वाहिद दानिश साहब आज इतने उन्होंने जवाब पढ़िया, कल मैनू मिले सी और सारी सूरत हाल दसी, कारी साहब माशाल्लाह दीन दे आलम है नेक, मगर डॉक्टर ने वेख्या तो दिल सुराख हो गया, ऑपरेशन की जरूरत हुई लखा रुपया लगता, उन्होंने आख्या चलो जी कुछ सिकात फंड तो अभी दोगे मगर 1,70,000 तुम बारह जमा करवाना पैना। वो मौलाना अब्दुल वाहिद दस्या भी जमात उत्थे जी उन्होंने चलो नेकी की आख्या कि लख तो असी कुछ ना कर दिया मगर बाकी रकम जी भी दरकार कल परसों ऑपरेशन है, तो इस सिलसिले तुम बेशक जकात फंड मगर कई साथियों को जकात की रकम मौजूद है वह भी देन, तो दूसरे भी जोड़े मदद कर, मौलाना दीन का काम कर रहा है, इन्हें बच्चों को पढ़ा रहा है, दीन की खिदमत कर रहा है, अल्लाह आदर दे, तो इस सिलसिले ज़्यादा ज़्यादा तावन करो और रकम जी ने जे हूँ इतने किसी को ताजी वरना जिन्होंने अल्लाह तआला तौफीक दी वो भेज दौ, ये पूरी कर दीए इंशाअल्लाह कालमे दीन का बच जाना। मेरे सामने गुजरात काठियावाड़ से कालमे दीन फौत हो रहा था, उस वक्त का सुल्तान से इब्राहिम उन्हें आके गिर चक्कर लाया तो बाद खड़े होकर उन्हें आख्या ला अगर तू ये कर सकता कि मेरी जिंदगी जी इस आलम दे दे, दे, दे। क्योंकि मेरे जैसे सुल्तान बहुत जमते रहने आलमे दीन नहीं जमता, इस तो आलमे दीन जो अगे ही कह पाया ये तुम दिल खोल के मदद करो
और करां तू जा के बाद भी तुम ये पहुँचा देव। ज़कात अल्लाह के रस्ते तुहाड़े ते देना फर्ज है, एहसान नहीं कोई। तो कालमे दीन की अगर उसना जान बचाई जा सकती तो बड़ा बबरकत सौदा होगा, अल्लाह ताला कसरां पूरियां कर दूगा। ये मौलां की उम्मीद जी पूरा करना चाहिए, और ये मेरे साथी मिलजुल के सारा मामला जरा अपने सिर लो, इंशाअल्लाह नफा अज़ीम हो। अल्लाह सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ए तहरीक इस्लामी के इजमा परसों बरोज इतवार मुअरफा 4 वक्त 8:30 बजे शुरू, 15 रोज़ा होंगे, तो इंशाअल्लाह 8:30 बजे शुरू का अहबाब से शिरकत कीजिए। आप मेरी बीमारी और मेरी बेटी की बीमारी के इलाज के लिए इमदाद करा रहे हैं, ये रखो ना, ये अगले जमे इंशाअल्लाह उन्होंने कहता है हूँ मौला ने जो कुछ देना देना। اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.